ओनली यूट्यूब की 10 सेटिंग, ओनली यूट्यूब की 10 सेटिंग में आज आपको बताने वाला हूँ कि हर यूट्यूबर को ये 10 सेटिंग करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। एंड अगर कोई नया यूट्यूबर है, नया ये पुराना यूट्यूबर है, या अगर किसी को पता है किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो आज जान लो आपने यूट्यूब में ये 10 सेटिंग सेटिंग कर लो, जिससे आपका जो चैनल है वो बेटर लगेगा एंड ग्रो करेगा एंड बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं आपको 10 सेटिंग बताऊँ, इससे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या जो लाइक है लाइक दबा दे, एंड जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको दबा कर, जो घंटी है साइड में इसको ऑल कर दीजिए, ठीक है, जिससे मेरे सारे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे एंड सारे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं यूट्यूब सेटिंग में। यूट्यूब सेटिंग किधर है भाई? तो जो यूट्यूब सेटिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है एंड टाइमिंग वॉच, ठीक है, सबसे पहला है टाइमिंग वॉच जो लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ जिससे आपको आसानी रहे देखने के लिए। टाइमिंग वॉच लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड इस सेटिंग से हमको ये पता चलता है कि आपने एक दिन में आपने कितना ये यूट्यूब चलाया है, यूट्यूब चैनल चलाया है, उसकी जो जितनी भी जनसंख्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि अभी तक मैंने 2 डे 14 मिनट चलाया है, कल मैंने 38 मिनट चलाई थी, लास्ट दिन में 3 आवर्स 9 मिनट्स मैंने ये यूट्यूब चैनल चलाया था। इससे आपको ये पता चलता है कि आपने मतलब कितने दिन आप यूट्यूब को दे रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो आप यूट्यूब पे, जिससे आपको पता चले कि हाँ मैं यूट्यूब पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ एंड आई नो कि मैं आगे बढ़ूँगा। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप में। एंड सेकेंड सेटिंग है ऑटो नेक्स्ट वीडियो, ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इसकी सेटिंग अगर आपको नीचे मिलती है, क्योंकि हर फोन में ये नीचे सेटिंग नहीं मिलती है इसकी, अगर नहीं मिलती है तो दूसरी जगह भी इसकी सेटिंग है, तो मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको एक वीडियो देख रहे हो, अगर वॉच कर रहे हो एंड वो वीडियो खत्म हो जाता है, सेकेंड वीडियो स्टार्ट हो जाता है, अगर आप ये नहीं चाहते कि सेकेंड वीडियो ओपन हो तो आप इसको ऑन कर दो, जिससे सेकेंड वीडियो ओपन नहीं होगा। कोई भी वीडियो आप वॉच करते हो, देखते हो वीडियो एंड उसको ख़त्म होने के बाद आपका सेकेंड वीडियो ओपन हो जाता है, तो ये ऑन करने के बाद सेकेंड वीडियो ओपन नहीं होगा, ठीक है। सो एंड सेकेंड चीज़ है, अगर ऐसा है क्या, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका अपन बता देता हूँ मैं इसका क्या क्या मतलब है। जैसे कि आज आपके यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स आपने सब्सक्राइबर किए हैं, इसको सेटिंग करने से वो सारे गायब हो जाएंगे, मतलब एक भी उसका वीडियो आपके सब्सक्राइब का, एक का वीडियो, एक का एक बंदे का भी वीडियो यहाँ पर नहीं दिखने वाला आपको। एंड जो अनसब्सक्राइबर है, जो टी सीरीज़ के, सोनी टी के जो है, वही आपको यहाँ पर दिखेंगे, जिससे आपने अगर किसी का भी चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप चाहते हो कि यार इसके वीडियो किसी को दिखे ना, नहीं तो मेरी पोल खुल जाएगी, नहीं तो फलाना ढिका जो भी हो जाएगा, सो आप इसको मोड पर डाल दीजिए, टर्न ऑन ऑफ कर दीजिए, जिससे वो, अगर आप इसको ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक कर देना तो ये ऑन हो जाएगा, तो जितने भी आपने सब्सक्राइब किए वो वापस चैनल आ जाएंगे आपके पास। एंड हम अब सेटिंग में चलते हैं। सबसे पहले हम जनरल में जाते हैं, और जनरल में अगर इसका मैं पूरा सेटिंग आपको बताता हूँ, इसमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो डिफरेंट, ठीक है। सबसे पहले डार्क थीम, ठीक है, इससे ये जो सेकंड नंबर पे है डार्क थीम, इससे क्या होता है, अगर आप नाइट में रजाई के अंदर यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, चला रहे हो, सो इस तरह का अगर वाल लाइट आपके रहेगा इस टाइप का जो मेरे पास है, सो जो मेरा दिखाई दे रहा है लाइट, अगर इस टाइप का आपको दिखाई देगा तो आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, जिससे आपकी आंखों में मोतियाबिंद भी हो सकता है। सो इसको आप ऑन कर दीजिए, जिससे ब्लैक हो जाएगा पूरा और आपकी आंखों में इसका लाइट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़ है लिमिट मोबाइल डाटा यूज़, अगर आपका डाटा बहुत स्लो चल रहा है, आपका डाटा बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, आप वीडियो चल नहीं रहे, आपको वॉच नहीं कर पा रहे हो, तो इसको ऑन कर दीजिए, जिससे आपका जो वीडियो HD में दिखाई देगा एंड वो अच्छे से फास्ट चलता रहेगा, ठीक है। एंड 2:26 इसको आप 10 कर दीजिए, बेटर रहेगा। अपलोडिंग क्वालिटी इसका क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लोकेशन आप जहाँ रहते हो वहाँ, अपना जो आप जिस विदेश में रहते हो, या देश में जिस देश में भी रहते हो उसका आप नाम लगा दीजिए। रेस्ट्रिक्टेड मोड अब इससे क्या फ़ायदा है मैं आपको बताता हूँ। जो लास्ट में सेकेंड नंबर पे जो सेटिंग है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है और ये तो हर इंसान को करना चाहिए, जितने भी नौजवान मेरे जैसे नौजवान बंदे हैं, ये सभी को ये सेटिंग करना अनिवार्य है। मैं तो भाई अगर सेटिंग नहीं करते हैं ये तो पोल खुल जाती है, घर वाले घर में जितने भी फैमिली मेम्बर है, बहन बच्चे माता पिता फ़ोन ले लेते हैं, यूट्यूब देखने लग जाते हैं, और यूट्यूब पर हमने कुछ ऐसे वीडियो देख रखे हैं या सब्सक्राइबर चैनल कर रखे हैं जो मतलब नहीं करना चाहिए, मतलब जैसे कि पोर्न टाइप के कुछ वीडियोज़ है, रोमांटिक टाइप के, कपल्स टाइप के कुछ वीडियोस है, सो अगर बच्चों के हाथ में लग जाता है, अगर वो देख लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर ये आप ऑन कर देते हो,
तो उस टाइप के वीडियो जो रहेगा यूट्यूब वीडियो उसको हटा देगा सबको, ठीक है। आप इसको ऑफ़ कर दोगे तो वो सारे वीडियो वापस आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया सेटिंग। एंड मैं आपको सेकेंड ऑटो प्ले पे ले चलता हूँ। मैंने कहा था आपको कि अगर वहाँ सेटिंग नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है, ऑटो प्ले पे, ऑटो प्ले नेक्स्ट वीडियो। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले ही समझा दिया इसके बारे में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेटिंग में चलते हैं। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन पे, ठीक है। नोटिफिकेशन पे क्लिक करना एंड तो इस टाइप का कुछ ऑप्शंस ओपन होंगे। एंड सेकंड चीज़, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या कहीं आप मीटिंग में बैठे हो, आप डिस्टर्ब ना हो, तो इसको आप ऑन कर दीजिएगा। जो फर्स्ट में है इसको आप ऑन कर देना, जिससे आपको परेशानी नहीं हो पाएगी। एंड कोई भी नोटिफिकेशन आप डाटा ओपन भी करोगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। एंड कब तक नहीं आएगा, आप वापस उसी पर क्लिक करना तो आप पे आपके सामने कुछ टाइमिंग शो होंगे। तो टाइमिंग आप यहाँ पर टाइमिंग सेट कर सकते हो आराम से। तो मुझे नहीं करना है तो मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। एंड सारी चीज ऑन कर दीजिए। कनेक्ट ऐप, लाइव चैट ऑप्शंस, इनेबल सर्विस। अगर आप इस टाइप का इसको लुक दिखाना चाहते हो, जिससे आपको यहाँ लैंग्वेज सेट करना पड़े, टेक्स्ट साइज जो भी आपको टेक्स्ट करना रहता है, कीपैड पे आपको लिखना रहता है यूट्यूब में जब वीडियो अपलोड करते हो, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को सेटिंग कर सकते हो। तो मेरी कुछ आज की कुछ यूट्यूब सेटिंग थी जो मैंने आपको शेयर की है। एंड थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मैं हर तरीके की टेक्निकल चीज़ें एप्लीकेशन से रिलेटिव, फ़ोन से रिलेटिव एंड यूट्यूब से रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।